हेलो एवरीवन, मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ। चलिए आज हम बनाते हैं लौकी गोश्त। इसके लिए सामग्री सुन लीजिए फ्रेंड्स। मैंने लिया है 250 ग्राम मटन, 250 ग्राम लौकी जिसे छीलकर मैंने पीस में काट लिया है, एक मीडियम साइज की प्याज उसे भी छीलकर कट कर लिया है, दो हरी मिर्ची, एक मीडियम साइज का टमाटर उसे काट लिया है, 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 चम्मच पिसा धनिया, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्ची, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला, वो भी होममेड। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम प्याज ब्राउन कर लेते हैं। चलिए गैस ऑन करते हैं। मीडियम फ्लेम पर इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हैं, मैंने ऑलिव ऑयल यूज किया है। अब ऐड करेंगे कटी हुई प्याज, प्याज को हल्का गुलाबी फ्राई करना है या भूनना है। देखिए प्याज लाइट ब्राउन हो गई है, फ्लेम थोड़ी हल्की कर दी है। अब इसमें ऐड करेंगे मटन, अब फ्लेम मीडियम कर लेंगे फिर से। अब ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसे 1 से 2 मिनट ऐसे ही भूनना है जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ। अब ऐड करते हैं सभी मसाले, टमाटर, अब ऐड करेंगे इसमें कटी हुई लौकी। देखिए लौकी डालने के बाद 1 से 2 बार चलाइए, देखिए ऐसे, ताकि सभी मसाले लौकी के ऊपर भी आ जाए। अब ऐड करेंगे आधा बाउल पानी। लौकी तोरी में कुदरती तौर पे पानी बहुत होता है इन सब्जियों में, इसलिए फ्रेंड्स इसमें पानी ज्यादा डालने की जरूरत नहीं होती। इस पानी ऐड कर दिया है, मीडियम फ्लेम करनी है और अब इस पे ढक्कन लगाकर
5 से 7 मिनट पकाना है, क्योंकि मटन है इसे गलने में टाइम लगेगा, इसलिए हम 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे। चलिए अब इसे पकने देते हैं 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पर। पांच से सात मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए। चलिए गैस ऑफ करते हैं और कुकर खोलकर देखते हैं। ये देखिए सब कुछ अच्छे से गल गया है। लौकी मटन भी देख लेते हैं। परफेक्ट गल गया है। 5 से 7 मिनट लगे हैं मीडियम आंच पर। अब इसे जिसमें पानी दिखाई दे रहा है, देखिए हमने कितना कम पानी डाला था फ्रेंड्स, फिर भी इतना बाकी है इतनी देर पकने के बाद भी, क्योंकि लौकी और तोरी में बहुत ज्यादा पानी होता है इन सब्जियों में कुदरती तौर पर। अब इसे अच्छे से मैश कर खुश्क कर लेना है या ड्राई कर लेना है बिल्कुल। गैस ऑन कर लेते हैं क्योंकि हमने गैस ऑफ कर दिया था मीडियम फ्लेम पर। इसे अच्छे से मैश कर ड्राई कर लें। देखिए बिल्कुल खुश्क हो गया है और अच्छे से भुन भी गया है, क्योंकि साइड से ऑयल ऊपर आने लगा है। जब किसी सब्जी या मसाले में ऑयल ऊपर आने लगता है तो पता चलता है कि वो अच्छे से भुन गया है। ये देखिए सब कुछ अच्छे से मैश हो चुका है। अब इस गैस ऑफ करेंगे और इसे गार्निश करेंगे हरे धनिए से और दो हरी मिर्ची। हरी मिर्ची मैंने पकते हुए इसलिए नहीं डाली फ्रेंड्स, क्योंकि मिर्ची तेज हो जाएगी, मुझे सिर्फ इसकी खुशबू चाहिए, इसलिए मैं इसे बाद में ऐड कर रही हूँ। देखिए तैयार हो गया है लौकी गोश्त। चलिए इसे सर्व करते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, शुरू हो गया है, सॉरी बन गया है लौकी गोश्त। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।